गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल वेल। सो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू विमला देवी पब्लिक स्कूल सिलियारी। माय नेम इज़ वंदना पाल एंड आई एम योर क्लास टीचर। टुडे वी गोइंग टू लर्न अबाउट इंसेक्ट। ओके, इंसेक्ट, INSECTS, इंसेक्ट। इंसेक्ट मीन्स कीड़े, है ना। इंसेक्ट नेम पढ़ेंगे हम, क्या पढ़ेंगे? इंसेक्ट नेम, कीड़ों के नाम। कीड़े किसको कहते हैं? जिसके सिक्स लेग होते हैं, है ना। कितने लेग्स होते हैं? सिक्स, वो है इंसेक्ट। ठीक है, कितने लेग्स होते हैं? सिक्स। ओके, सी फर्स्ट देखिए, एंट। आपने इसको घरों में देखा होगा, जब भी कोई मीठी चीज़ गिर जाती है या चीनी गिर जाता है ना, तो ये एंट जो है वो वहाँ पहुँच जाता है ना। देखा है ना आपने, बहुत सारे इसमें से इंसेक्ट है जिसको आप डेली घर पर देखते हैं। एंट, ANT, एंट। ओके, एंट दिख रहा है ना। ये क्या करती है? जब भी मीठी चीज़ गिर जाती है, कुछ भी मीठा, तो वो बिल्कुल वहाँ पहुँच जाती है, एंट। नेक्स्ट देखिए, मॉस्किटो, है ना। ये दिख रहा है, लगभग वैसे ही दिखता है, लेकिन ये फ्लाई करती है, ये उड़ती है और ये ज़मीन पर चलती है, है ना। दिख रहा है, मॉस्किटो, MOSQUITO, मॉस्किटो मीन्स मच्छर, है ना। ठीक है, एंट मीन्स चीटी और मॉस्किटो मीन्स मच्छर। ये क्या करता है? काटता है ना। जहाँ पर गंदगी रहती है, पानी रुक जाता है, वहाँ पर ये क्या करती है? ये वहीं पर रहती है ना। ठीक है, तो मॉस्किटो मीन्स मच्छर, आपने देखा होगा खूब काटती है मच्छर, है ना। नेक्स्ट इज़ बटरफ्लाई। देखिए कलरफुल रहते हैं बटरफ्लाई, अलग अलग कलर्स में आपने देखा होगा, बहुत सुंदर दिखता है बटरफ्लाई, है ना। ये भी क्या है? इंसेक्ट है। BUTTERFLY, बटरफ्लाई। बटरफ्लाई मीन्स तितली, है ना। इसको आपने अलग अलग कलर्स में देखा होगा, ये क्या करती है? फ्लावर के ऊपर बैठती है, कभी इस डाली पर, कभी उस डाली पर, पेड़ों पर, पौधों पर ऐसे बैठती है ना, बटरफ्लाई। ठीक है, नेक्स्ट इज कॉकरोच। डर्टी कॉकरोच, है ना, अच्छा नहीं लगता ना इसको देखकर, कॉकरोच, है ना। आपने घरों पर देखा होगा इसको, ये क्या करती है? जब कोई सामान खाने का चीज़ गिर जाए तो वहाँ पहुँच जाती है, और ये क्या करती है? कभी कभी बर्तन के ऊपर भी आ जाती है, तो इसको भगाने के बहुत सारे उपाय हैं, है ना। और इसको हमें, इससे अपने जो सामान है उसको केयरफुली रखना चाहिए कॉकरोच से। ठीक है, COCKROACH, कॉकरोच। ओके, बिल्कुल गंदा कॉकरोच, है ना, इंसेक्ट है ये भी। ठीक है, नेक्स्ट है हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई, है ना, अपने मक्खी घरों पर देखा होगा, है ना। जब हम क्या देखते हैं, कुछ गंदा सा स्मेल आ रहा है या कुछ गंदी चीज़ें हैं, वहाँ पर ही भिनभिनाने लग जाती हैं, हाउस फ्लाई। HOUSEFLY, हाउस फ्लाई, मक्खी, है ना। नेक्स्ट है ग्रॉस ऑपर। इसको आपने कहाँ देखा होगा, ग्रॉस ऑपर को? हाँ, घास पर, जैसे ग्रीन कलर का घास होता है ना, वैसे भी इसका कलर रहता है, पता है आपको, है ना। ये जंप करती है यहाँ से वहाँ, ग्रॉस ऑपर। ठीक है, ये भी क्या है? इंसेक्ट है, है ना। ये अधिकतर आपको ग्रास वगैरह में, पेड़ों पर ऐसा देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है लेडी बर्ड, LADYBIRD, बर्ड, लेडी बर्ड। ये देखिए क्या है, ये लेडी बर्ड। ठीक है, ये भी हमारा इंसेक्ट है। ठीक, नेक्स्ट है क्या है? देखिए नेक्स्ट कौन सा है? यस यस, हनी बी, मधुमक्खी, है ना। हनी बी जिससे हमें शहद मिलता है, HONEYBEE, हनी बी, है ना, मधुमक्खी। क्या करती है? बड़ा सा पेड़ के ऊपर देखा होगा आपने, हाँ,
बनाती है अपना छाता, उस पर रहती है मधुमक्खी, है ना। और ये हनी से मिलता है हमको, ठीक है, मधुमक्खी। नेक्स्ट इज कैटरपिलर। ये क्या करती है, पेड़ों के मीठे जो पेड़ रहते हैं, अच्छे पेड़ जो रहते हैं, है ना, उसके पत्तों को खा जाती है ना, बिल्कुल ऐसे ग्रीन कलर का रहता है, पेड़ों के जैसे लिप्स रहते हैं ना वैसे ही उसको पूरा खा जाती है ये, है ना, कैटरपिलर। तो ये है आपके इंसेक्ट। आपको क्या करना है, इंसेक्ट का नेम वॉइस रिकॉर्डिंग करके और अपनी नोटबुक पर राइट करके मुझे सेंड करना है। ओके।